पोजिशनिंग की वजह से, ये लिखा है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा हुआ है। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी, अब समझिए कैसे किस किस में होगी। जैसे कहने का मतलब, पोजीशन का कहने का मतलब है, जैसे आपने कोई कहने का मतलब है बैंड है, स्ट्रेचिंग बैंड है या स्प्रिंग है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हल्का सा मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे देखिए सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास कोई कहने का मतलब स्प्रिंग है, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें अगर आपने इसको प्रेस किया, ठीक है, इसको प्रेस किया, तो इसके अंदर प्रेस करने के बाद मान लीजिए आपने इस बॉल को छोड़ दिया, यहाँ पे एक बॉल रखा और इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, स्प्रिंग को क्या कर दिया, बिल्कुल दबा दिया, ऊपर से आपने प्रेशर लगाया और ऐसे करके रख दिया, यहाँ पे प्रेशर करके इस बॉल को रख दिया। अब आप इसे छोड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये बॉल क्या हो जाएगी, छटक जाएगी। या फिर मान लीजिए आपके पास सिंपल एक ऐसा कोई इक्विपमेंट था जहाँ जिसमें क्या लगा हुआ था, कहने का मतलब है इलास्टिक लगा हुआ था या रबर बैंड लगा हुआ था, ठीक है। अब आपने, या फिर इसमें मान लीजिए कि एरो लगाया आपने, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल, ठीक हो गया। अब जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे, ऐसे खींचेंगे यहाँ से, ठीक हो गया, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो भी, उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। जब इसको छोड़ेंगे तो इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अभी इसके अंदर कहने का मतलब क्या है कि कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तीसरी चीज, क्लॉक के अंदर जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का कहने का मतलब आपने अगर देखा हो तो ऐसा कुछ स्प्रिंग होता है, अगर हम इसको कंटिन्यूस क्या करते रहें कि घुमाते रहें और इसको कहने का मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे, तो वो भी कैसी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर अगर आप उस एनर्जी को आप कन्वर्ट करेंगे, समझ में आई बात, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एग्जांपल है आपके जितने भी डैम, डैम यानी कि कहने का मतलब है जितने भी आप डैम बनाते हैं वो सब इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पे आपने पानी रोका तो यानी कि कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रोक लिया, ठीक हो गया। जब आप इसको रनिंग के फॉर्म में कराएंगे, फॉल होगा वाटर का, ये रहा देखिए रनिंग वाटर होगा, तो उसमें कैसी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट होता है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर आप ड्यू टू पोजिशन के वजह से, जो हमारे पास क्या हो रही है, ड्यू टू पोजिशन के वजह से जो हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी कि कहने का मतलब जो एनर्जी है उसी को हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी बोला। अब पोटेंशियल एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसको देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है एम, जी और एच। एम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का मास है, या जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है, यानी कि कहने का मतलब एम पे डिपेंड करेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, ठीक हो गया। दूसरी डिपेंड करेगी जी पे, जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, समझ में आ गई बात। और एच जो है ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट है, जिस हाइट से हम उसको फेंक रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होगी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। मैंने कहा था एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्योंकि जूल साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और कहीं कैलोरी भी होती है एनर्जी की यूनिट, ठीक है, कैलोरी भी होती है और जूल भी होती है, ठीक हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी का क्या था, अगर आपने इससे प्रीवियस वन वीडियो में देखा होगा, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, ये थी ना आपके पास काइनेटिक एनर्जी एम जी, हाफ एम वी स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। तो एम यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या क्या कहते हैं, ग्रेविटी है, ठीक हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम। और एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। और आपसे पूछा जाए, आपसे चाहे वर्क की पूछी पूछी जाए या एनर्जी की पूछी जाए, तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी, समझ में आई बात। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैं ये तीन वर्ड आपको बता रहा हूँ कि ये कहने का मतलब है, ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है।
यानी कि जितना मैस बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि ये इंक्रीज होगा तो ये खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ पे पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ जितना बढ़ेगी वही चीज़, मतलब कहने का मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मैस के होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, एसेलरेशन की होगी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। और एम जी एच यहाँ पे एच होना चाहिए था, ठीक है। और तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द बॉडी, यानी कि कहने का मतलब है हाइट जितनी इंक्रीज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये डैम है आपका, आप इतनी इतनी इस हाइट से क्या कहते हैं पानी को गिराइए तो ठीक हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा डैम काफ़ी हाइट में होते हैं, जितनी हाइट से आप इसको गिराते हैं उतनी ज़्यादा, कहने का मतलब क्या है, हमें पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में मतलब कहने की मदद मिलती है। मैंने आपको बताया था ना कि आपने क्या करा था, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में करा था, और काइनेटिक एनर्जी को किस में करा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। तो यानी कि कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे सीधे समझिएगा, यानी कि ये वैल्यू का जितनी बड़ी होगी उतना ही, कहने का मतलब क्या है कि ये बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो गई, मैस की हो गई। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो गई, ग्रेविटी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो गई, हाइट की हो गई। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक हो गया। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच है। अब देखिए इस टाइप की एनर्जी और हमारे पास क्या क्या होती है, देखिए एक तो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके वजह से होती है, पोजीशन मतलब कहने का मतलब जो पोजीशन चार्जेस हैं या चार्ज जो प्रोड्यूस होते हैं उसके वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक, जैसे जितने भी आपके घर में करंट आ रही है, करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, चार्जेस के वजह से तो हो रही है, जो उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। असल में जो करंट को फ्लो कराता है वो असल में चार्ज फ्लो कराता है, हर वायर के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ही क्या कराते हैं चार्ज को फ्लो कराने का काम कराते हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, मतलब कहने का मतलब ठीक है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कहने का मतलब है चार्जेस के ऊपर होगी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कहाँ से हम कर सकते हैं, देखो थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स होते हैं, जितने क्या कहते हैं डैम वगैरह होते हैं, ठीक हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सोलर प्लांट्स होते हैं, जैसे सोलर आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स होते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि घर में आपने देखा होगा या स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी कहीं भी, तो वो इसके एग्जाम्पल है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से जनरेट होगी, चार्जेस की वजह, और चार्ज किसके अंदर होगा, जो कहने का मतलब है जितने वायर्स के अंदर जो भी क्या कहते हैं करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, चार्जेस की वजह से होती है, ठीक हो गया। दूसरा है आपके पास केमिकल एनर्जी। देखिए केमिकल एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, केमिकल केमिकल कहने का मतलब जब कुछ ना कुछ दो केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकल कंपाउंड आपस में क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, तो उससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब जैसे हम तो ऐसे अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है, सिंपल एक बात देखिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं सनलाइट में आकर के, कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो कहने का मतलब क्लोरोफिल होता है वो फूड बनाना स्टार्ट कर देता है, समझ में आ गई बात। कहते हैं कि सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए और उनमें ग्रोथ होती है, तो ये एग्जाम्पल है कहने का मतलब किसका है, केमिकल एनर्जी का है। दूसरा, जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा फूड जो होता है वो पेट में जाके डाइजेस्ट होने लग जाता है, तो हमारे पेट में क्या होता है एसिड्स होता है, एसिड होने के वजह से क्या होता है वो जो करता है डाइजेशन में हमें क्या करता है हेल्प करता है। तो यानी कि ये जितनी भी कहने का मतलब है हमारे अंदर खाना खाने के बाद जो खाना पचाने की प्रोसेस है ये भी एक किस्म की क्या है केमिकल रिएक्शंस है, या फिर प्लांट्स के फूड्स को बनाने की जो प्रोसेस है वो भी कैसी प्रोसेस है केमिकल एनर्जी की प्रोसेस, यानी कि एनर्जी तो मिली नहीं है ना हमें, खाना खाने के बाद क्या मिलती है एनर्जी, तो आपको मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है, केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है, तो समझ में आ गई बात। अगला है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, देखिए हीट एनर्जी होती है जब, कहने का मतलब क्या है, जब हम चारकोल पेट्रोल या कोई भी चीज़ यानी कि कोल इन चीज़ों को जलाते हैं, किसी चीज़ के जलाने पर बर्निंग के केस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब हीट प्रोड्यूस होगी यानी किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो उसके जलाने में क्या जो एनर्जी निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो पहली क्या बताई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से होगी, ड्यू टू चार्जेस की वजह से। केमिकल एनर्जी किसकी वजह से होगी, टू टू कोई सब्सटेंस जो रिएक्ट करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्ट
रिएक्शन की वजह से, यानी कि जितने भी सनलाइट मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, या हमारी बॉडी में जो भी, कहने का मतलब है फूड डाइजेस्ट हो रहा है, या जितने भी प्रोसेसर्स हो रही हैं वो भी एक किस्म की क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। और हीट एनर्जी तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कहते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो बर्निंग के वजह से जो हीट निकलेगी, चाहे वुड हो, ऑयल हो, या फिर आपका जितना भी, कहने का मतलब है कोल है, उन चीज़ को जलाने पर जो एनर्जी निकलेगी वो किसका एग्जाम्पल है, हीट एनर्जी का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।